मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रवेतिका प्रताप। गैरेथ बेबा को वोडाफोन फीजी सेवंस रग्बी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। जैसा एफबीसी स्पोर्ट्स द्वारा पहले अनुमान लगाया गया था, बेबा जो हांगकांग रग्बी के कोच है को फीजी रग्बी यूनियन ने चुना है। बेबा जो फॉर्मर वेल्श इंटरनेशनल है के पास वर्ल्ड रग्बी लेवल 4 अक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन है, और उन्हें 4 सालों का टर्म ऑफर किया गया है जिसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़े हैं। भले ही सेवंस सर्किट में बेबा का कुछ खास नाम नहीं है, एफआरयू के चेयर फ्रांसिस कीन का कहना है कि वे उनसे काफी उम्मीदें रखते हैं। फॉर्मर कार्डिफ ब्लूज कोच जनवरी में काम शुरू करेंगे और वे टीम को वेलिंगटन तथा सिडनी सेवंस में लीड करेंगे। ट्रेनर नदनियली दवानिम्बोका को इंटरिम कोच नियुक्त किया गया है जो टीम को ओशिनिया सेवंस तथा सेवंस वर्ल्ड सीरीज के पहले लेग में लीड करेंगे। बेबा के ऊपर भारी चुनौती है, जबकि बेन रायन के लीडरशिप के नीचे फिजी सेवंस टीम ने 2 बार सेवंस सीरीज जीता है और ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है, जबकि उन्हें वेतन में वृद्धि मिलने की आशा है। मिनिस्टर फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस अयाज सैयद खैयूम ने बताया कि वे वर्तमान के वर्किंग कंडीशन में रिव्यू करने के बाद इसे आगे बढ़ाएंगे। सैयद खैयूम ने बताया कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में नौकरी करने का चुनाव करें और उनका वेतन प्राइवेट सेक्टर के रेट से मेल खाएं। उन्होंने बताया कि जबकि सैलरीज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सरकार ये देखेगी कि वर्किंग एनवायरमेंट्स और ट्रेनिंग को भी रिव्यू किया जाए। मिनिस्टर की एक सभा फिजी पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी रजेश्वर सिंह के साथ भी हुई है, जिस दौरान सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ओपन मेरिट रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में भी बात की गई। यूनियन के साथ पार्टनरशिप में एक जॉब इवेल्युएशन एक्सरसाइज को भी किया जाएगा और सरकार इसे करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की मांग करेगा। फिजी पुलिस फोर्स अभी हाल में हुए हिंसात्मक चोरियों वाले मामलों को रोकने का भरसक प्रयास कर रहा है, जबकि फोर्स की ओर से कोई स्टैटिस्टिक्स आम नहीं किए गए हैं कि इस तरह की कितनी चोरियां हुई है। अभी हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी गंभीरता को हाईलाइट किया गया है। कारजैकिंग्स और हाउस ब्रेकिंग्स को लेकर लोग भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। पुलिस चीफ ऑफ ऑपरेशन ACP रुसेतुन रावो का कहना है कि वे इस तरह के अपराध को रोकने के लिए कई तरह के तरीकों को अपना रही हैं। कम्युनिटी पॉलिसिंग तथा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी फोर्स का स्ट्रेटेजी है। फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर रतनोके कुमुम्बोला, जिन्होंने संसद में पब्लिक सेफ्टी पर बल दिया था, विश्वास करते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। और खेलकूद में, जैसा कि आपने पहले सुना, गैरेथ बेबा को फिजी सेवंस कोच नियुक्त किया गया है। फिजी रग्बी यूनियन बोर्ड ने इसके अलावा TFL फिजाना सेवंस और 15 कोच के लिए इलियासा तानिवुला को नियुक्त किया है। तानिवुला फिजाना सेवंस टीम के असिस्टेंट कोच थे और अगस्त में ब्राजील में उन्होंने टीम को गाइड किया था। उन्हें 4 सालों का टर्म दिया गया है और वे जापान में होने वाले अगले ओलंपिक गेम्स तक टीम के इंचार्ज में रहेंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे, इन समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। आप सभी को FBC न्यूज टीम की ओर से दीपावली का ये पर्व शुभ और मंगलदायिनी हो। रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे कोरबांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय वनीबाव के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।